गला हो गया है खराब, आवाज बैठ गई है और बोला ही नहीं जा रहा, तो आप राइट प्लेस पर हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको मिलेगा इसका बेहतरीन और आसान सलूशन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शहबाज कैफे एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग, होप के सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो होने वाली है बहुत अहम, क्योंकि बाज़ औक़ात गला जो है वो इतना खराब हो जाता है कि आवाज बिल्कुल बैठ जाती है और बोला ही नहीं जाता। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान। घर पर तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं, उन्हीं चीजों से हम बहुत ही आसान और बेहतरीन सोल्यूशन तैयार करेंगे इस मसले का। तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी ऐसा मसला जो है वो दरपेश हो जाता है और उसका सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, ये है जी मिश्री। मिश्री आपको इस तरह साबुत फॉर्म में मिलेगी, इसको आपने दरदरा सा कूट लेना है और उसके बाद ब्लेंडर की डिब्बी में डालें और इस तरह से पाउडर बना लीजिए। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इजीली पाउडर तैयार हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये है जी सूंठ पाउडर, तो दोनों को हमने हम वज़न लेना है। और ये है शहद, शहद इसमें हम बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे, जस्ट इतना कि एक थिक सा पेस्ट बन जाए और हम इजीली उसकी छोटी छोटी सी गोलियां चने के साइज़ के बराबर की बना सकें। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ले ली है मिश्री और 1 टेबलस्पून ही मैं सूंठ पाउडर ले रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा गोलियाँ बनाना चाहें तो इसी तरह से मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, बेसिकली दोनों की मिकदार एक जितनी ही होनी चाहिए, हम वज़न होने चाहिए। और शहद जो है ये अब मैं इसके अंदर बहुत थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून ऐड करके ये सब कुछ मिक्स कर लिया है मैंने, और आप देख सकते हैं कितना थिक पेस्ट मैंने इसका तैयार किया है। और अब आसानी से हम इसकी गोलियाँ जो हैं वो प्रिपेयर कर सकेंगे, कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये इतना हार्ड रखना है, इतना थिक रखना है, देख सकते हैं आप। और अब इसकी मैं छोटी छोटी सी गोलियां तैयार कर लूँगी। तो आसानी से इस तरीके से आप गोलियां इसकी बना लीजिए। अगर आपने बच्चों को देनी है तो इससे आधी गोली आप बना के उनको दे सकते हैं, और बड़ों के लिए इतना साइज़ काफ़ी होगा। तो इससे तकरीबन 4 से 5 गोलियां इजीली बन जाएंगी जितनी मिकदार मैंने ली है। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा मिकदार लेकर इनकी ज़्यादा गोलियां भी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आराम से। एयर टाइट कंटेनर या बाउल में रखिए और फ्रिज में रख लीजिए, 15 दिन तो आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं एक ही दफा बनाकर। तो लीजिए, बहुत ही जबरदस्त हमने इस मसले का सलूशन कर लिया है प्रिपेयर। बहुत ही इजी रेसिपी है और घर में मौजूद चीजों से हम आसानी से इसे झटपट से रेडी कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आपने दिन में 3 मरतबा इसको चूस कर खाना है। बिल्कुल इस तरीके से नहीं खाना कि आपने मुंह में रखा और पानी के ज़रिए अंदर ले गए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। इसे बनाकर आप रख लीजिए और आराम से दिन में 3 बार इसको चूस कर खाएं, तो इंशाल्लाह ताला गले की खराबी ठीक हो जाएगी, जो बैठी हुई आवाज़ है वो भी ठीक हो जाएगी और आप इजीली बोल सकेंगे, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। होपफुली कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम मिलते रहें, ढेर सारी करते रहें गपशप। यहाँ आपको मिलती हैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और एंटरटेनिंग भी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।